जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, आज से पहले ना तो आपने कभी सुनी होगी ना ही देखी होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सिंह राशि के जीवन में आखिर दुख क्यों मिलते हैं, क्यों आपके जीवन में दुख आते हैं, इसका क्या कारण है। एग्जैक्ट कारण मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपके जीवन को बदला जा सकता है, और सिंह राशि का कौन से वर्ष में जाकर भाग्य उदय प्रैक्टिकली देखा गया है, जब आपके भाग्य में आपके जीवन में बदलाव आता है, और कौन सी राशि के साथ में आपको रिश्ते नाते बनाकर दूर रहना होगा, या कौन सी राशि है जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग्स, आपका रिलेशन, आपको विश्वास बनाकर नहीं चलना है, नहीं तो भविष्य में वही आपके साथ में विश्वासघात या आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं, कौन सी हैं वो राशियां, और इसके साथ में सिंह राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका गुण, उनका अवगुण, उनका चरित्र। चलिए करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो कार्यक्रम है ये मून साइन पर आधारित है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि, राशि चक्र की पांचवें नंबर की राशि होती है सिंह राशि, जिनके अधिपति बनते हैं नवग्रहों के राजा सूर्यदेव। राजा सूर्यदेव, सारे ग्रह सूर्यदेव की परिक्रमा करते हैं, और सूर्यदेव की राशि होती है सिंह राशि। और अगर आपकी सिंह राशि है तो आप कैसे हैं, पहले ये जान लेते हैं। एक अग्नि तत्व राशि होती है, फायर साइन होता है सिंह राशि। जितने भी सिंह राशि वाले व्यक्ति होते हैं ना, पता नहीं अपना को राजा समझते हैं, यानी कि इनके अंदर एक अहंकार होता है। सिंह राशि के अंदर ना अहंकार सबसे ज़्यादा देखा गया है 12 राशियों में से, सबसे ज़्यादा। अगर ये कहीं पर भी काम करेंगे ना तो इनके अंदर एटीट्यूड या तो होता है या लोगों को लगता है कि इनके अंदर एटीट्यूड है, लेकिन ये दिल के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी हर किसी को नहीं दिख पाता, लेकिन होते हैं ये दिल के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, काइंडली हार्टेड होते हैं, और दयालु होते हैं, दयालु बहुत होते हैं लोगों की। ये अगर किसी को देखेंगे ना कि कोई परेशान है, कोई बिल्कुल लाचार है, तो ये एकदम से बिल्कुल इनके अंदर दया आ जाती है, ये चीज़ें देखी गई है। लेकिन वहीं अगर कोई इनको थोड़ा सा छेड़ता है, कोई इनको परेशान करता है, कुछ भी करता है, तो इनको गुस्सा भी कब आ जाए ये पता नहीं चलता। इनके अंदर गुस्सा भी बहुत होता है, क्योंकि सूर्य अग्नि, गर्मी भी बहुत लगती है सिंह राशि वाले व्यक्ति को। ये किसी से ज़्यादा फालतू बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो इनके मन में होता है, जो इनके दिमाग में होता है, वो ये तुरंत बोल देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, ये तुरंत बोल देते हैं। हाजिरी जवाब देने वाले होते हैं सिंह राशि वाले व्यक्ति, और किसी भी काम में हमेशा आगे रहते हैं, निडर होते हैं, डरते किसी भी काम को लेकर नहीं है सिंह राशि वाले व्यक्ति, ये देखे गए हैं। और इसके साथ में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है सिंह राशि वाले व्यक्तियों के अंदर। और हाँ, घूमने फिरने का या हिल स्टेशन पर जाने का, स्पोर्ट्स फील्ड में जाने का सिंह राशि को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। और इसी के साथ में सिंह राशि वाले व्यक्ति को ठाट बाट ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि सिंह राशि भैया राजा हैं, तो इनको ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होता, और काम करते हैं तो अपनी मनमर्जी से, यानी कि जो भी कार्य करना चाहते हैं ना फ्रीडमली, अपनी मनमर्जी से। अगर कोई इनसे अपनी मर्जी से कार्य करवाएगा, चाहे कहीं पर भी, घर में, घर परिवार में या ऑफिस में, कहीं पर भी, तो ये उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि जिद्दी भी होते हैं ये, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत ये जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से, जहाँ पर इनका दिल करेगा ये वहीं पर ही करेंगे, वरना ये किसी की भी नहीं सुनते। और इसके साथ में सिंह राशि वाले व्यक्ति सोचते हैं कि ऊंचे पद पर रहकर ही हमेशा काम करेंगे, छोटे मोटे नौकरी में रहकर, छोटा मोटा कार्य रहकर, या किसी के दबाव में रहकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इसी के साथ में ये न्यायप्रिय होते हैं, हाँ ये गलत नहीं करते, ये इनके अंदर अच्छाई है कि किसी के साथ में भी गलत नहीं करते, जो भी ये करते हैं, जैसा ये करते हैं, अपने लिए करते हैं और लोगों की अच्छाई के लिए करते हैं। हाँ अगर इनके साथ में गलत हो रहा हो तो फिर ये गलत के किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके अगर मित्र देखे जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो होते हैं ना वो वेल एजुकेटेड होते हैं, या बहुत ऊँची पद पर होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर होते हैं। और इसी के साथ में
ये रोमांटिक बहुत होते हैं, सब कुछ इनको पसंद होता है अपने तरीके से, जो ये चाहते हैं ये उन चीज़ों को करने की भी सोचते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ठाट बाट और रोमांटिक किस्म के होते हैं सिंह राशि वाले व्यक्ति। ये बताया दोस्तों मैंने सिंह राशि के व्यक्तित्व के बारे में। अभी जानते हैं कि कौन से वर्ष में जाकर आपका भाग्य उदय अक्सर देखा गया है, 26 साल के बाद और 36 साल से पहले। 26 साल के बाद मुझे बताइएगा कि आपके भाग्य में, आपके करियर में, आपके घर परिवार में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव आया, और 34 और 36 साल से पहले आपका फाइनेंशियल चेंज हुआ, आपने गाड़ी खरीदी, प्रॉपर्टी परचेज करी, या क्या बहुत अच्छा हुआ आपके जीवन में 26 साल के बाद और 34 साल से पहले पहले, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ में अब हम जानते हैं कि कौन सी राशि के साथ में आपका व्यवहार, आपका रिलेशन और विश्वास बना के नहीं चलना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा थोड़ा दूर रहना चाहिए उस राशि के साथ में। कौन सी है वो राशि? वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये तीन राशि ऐसी हैं, अगर सिंह राशि वाले व्यक्ति इनके साथ में मिलेंगे, रिलेशन बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो अंत में जाके आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि इनके साथ में आपका बहुत लंबे समय तक रिश्ता नहीं बन सकता, या परेशानी होगी, या परेशानी के साथ में रिश्ता चलेगा, क्योंकि सिंह राशि का वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि के साथ में तालमेल और अटैचमेंट और विचार नहीं मैच करते। अब जानते हैं दोस्तों कि सिंह राशि के जीवन में इतने दुख आखिर क्यों आते हैं, क्यों आपको दुखी होना पड़ता है, क्यों आपके जीवन में दुख मिलते हैं, इसका क्या कारण है, और अपने जीवन को किस तरीके से बदला जा सकता है। सबसे पहला कारण दोस्तों यह है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति में क्रोध और गुस्सा सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से घर परिवार में, वैवाहिक जीवन में, प्रेम प्यार में, वर्किंग प्लेस में आपको जल्दी से गुस्सा आ जाने की वजह से आपके रिश्ते में खटास हो जाती है, और वो रिश्ता आपका टूट सकता है, या आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, या फैमिली में सपोर्ट नहीं होगा आपके गुस्से की वजह से, आपके क्रोध की वजह से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, सबसे पहला कारण आपका यही है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा कारण ये है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए, ठाट बाट वाले व्यक्ति होते हैं, और ये दबाव में रहकर, प्रेशर में रहकर काम करना पसंद नहीं करते, सोचते हैं कि हमेशा ऊंचे पद पर रहकर काम करेंगे। तो दोस्तों सुनिए कि शुरुआत हमेशा नीचे से ही होती है, इंसान सीधे यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचता, यहाँ से ही धीरे धीरे यहाँ जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि एकदम से आप कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन बाद में आप सोचते हैं कि काश मैं छोटे से ही शुरुआत कर लेता, और बाद में आपको ही पछतावा होता है और आपको ही दुख मिलते हैं। तो हमेशा कभी भी ये मत सोचिए कि मैं प्रेशर में काम रहकर नहीं करूँगा, और हमेशा एटीट्यूड और अहंकार में आप मत रहिए, नहीं तो ये आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा कारण दोस्तों ये है कि आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट। कभी कभी सिंह राशि वाले व्यक्ति अपनी गलती को कभी नहीं मानते, ओवर कॉन्फिडेंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अपनी गलती हो जाने के बावजूद भी इनको पता होता है, लेकिन उसको जल्दी से रियलाइज़ नहीं करते, खासकर लोगों के सामने। खुद को पता होता है लेकिन दूसरों के सामने रियलाइज़ नहीं करते, और इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये हो जाते हैं कि जिसकी वजह से बाद में इनको ही पछतावा होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ों को लेकर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख ना आए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।